गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले हम कल का क्वेश्चन देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न देखते हैं। तो कल का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन बनी? हु बिकम द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। नंबर ए ऑप्शन मालिनी अय्यर, बी ऑप्शन डिंपल यादव, सी ऑप्शन बिमल कपूर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिमला कपूर। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस विमला सिंह कपूर को नियुक्त किया है। विमला सिंह कपूर ने वर्ष 1987 में अपने ज्यूडिशियल सर्विसेज के सफ़र की शुरुआत की थी। वह छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में 2 सालों के लिए अपॉइंट की गई थी। विमला सिंह कपूर को वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य न्यायाधीश शरद कुमार गुप्ता की जगह पर नियुक्त किया गया है, जो कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो गाइस, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपने आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? Which country has launched SCRI initiative with Japan and Australia to reduce itself's reliance on China? A ऑप्शन है भारत, B ऑप्शन है रूस, C ऑप्शन है म्यांमार और D ऑप्शन है बांग्लादेश। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। SCRI का फुल फॉर्म सप्लाई चेन रिलायंस इनिशिएटिव है। भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई पहल की है। दरअसल भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन में सुधार लाने के लिए SCRI नई योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और दूसरा, भागीदारी देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना और व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा देना है। तो गाइस, अगर आप कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन को परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? Which country has launched a green initiative to deal with climate change? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है इंडोनेशिया, सी है सऊदी अरब और डी है जापान। जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है, जिस किसी को भी आंसर पता हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने हेतु सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य वनस्पति आवरण को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना और समुद्री जीवन को संरक्षित करना है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू स्टॉप कोल प्रोडक्टर्स बाय 2049? ए ऑप्शन है थाईलैंड, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है वियतनाम और डी ऑप्शन है पोलैंड। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। पोलैंड सरकार और यूनानियों ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने के लिए 28 अप्रैल 2021 को कोयला खनन उद्योग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पहली बार शक्तिशाली कोयला खनन क्षेत्र अपनी उपस्थिति को कम करने के लिए सहमत हो गया है। इस प्रतिज्ञा के साथ पोलैंड 2050 तक यूरोपीय संघ के जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। देश अपनी 70% ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले पर निर्भर करता है, हालांकि 2040 तक इसे घटाकर 11% करने की योजना है। तो गाइस, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? विच कंट्री द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैज बीन ओपेंड? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है पुर्तगाल, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है चीन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खुल गया है। यह पुल 516 मीटर लंबा है, जो 175 मीटर की ऊंचाई पर बना है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लिस्बन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं, यहाँ के राष्ट्रपति मैस्लो रिबेलो हैं। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्ड किस देश के हैं? तो ये भी पुर्तगाल के हैं। भारत की खोज करने वाला वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये भी पुर्तगाल का रहने वाला था। टैग किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो यह पुर्तगाल की ही सबसे लंबी नदी है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे। किस राज्य सरकार ने द कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कोरोना वॉरियर्स स्कीम? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की। कोरोना ड्यूटी के दौरान कार्य करते करते हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवार की देखरेख शासन की जिम्मेदारी होगी। उनके परिवारों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सम्मान तिथि दी जाएगी। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित पौराणिक आवासीय पुरा स्थल है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर स्थल की
स्थल घोषित किया। नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार, माधव, पन्ना, फाशिल, संजय गांधी, ये सब यहाँ के नेशनल पार्क है। करंट पंख अभियान, कोटेक्स, गो कैबिनेट, किल कोरोना अभियान, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ये यहाँ के स्लोगन्स हैं। और आज का जो स्पेशल प्रश्न है वो है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य में शुरू की हुई है। इन विच स्टेट द ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो गाइस इसका आपको कमेंट करके उत्तर को इसको बताना है। और गाइस अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय और टेक केयर।